Hi guys, very good morning. Happy yoga day, guys. Okay, my phone was vibrating. I thought, what is happening? Okay, hi Soumya, hi. Okay, very good morning to everyone. So it's yoga day and we have a special task to do, which is Surya Namaskar for 30 minutes. And we have started this session already, and let me give you two to three minutes more, so that if anyone wants, they can also join. Okay. I'm happy to see you, that we are awakened and we are just here to do some exercise, some Surya Namaskar on yoga day. Okay, that's nice. Okay. So here's the position. So what to do? Happy morning. Actually, hum log 30 minutes ka Surya Namaskar karenge. And here we don't have count. फेस जल्दी कम करने का कोई योगा बताएं. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपकी बॉडी में फैट है, जहाँ पर वो एंटायर फैट कम होता है एंटायर योगा, एंटायर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वॉक करने से, कार्डियो करने से. ऐसा स्पेसिफिक स्पॉट को कम करने का कोई योगा नहीं होता. जो ये मिथ आपने अभी तक सुने हैं कि फेस का मतलब कोबरा पोज कीजिए तो ये कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस. आप कंप्लीट वर्कआउट कीजिए, नॉर्मल जो आपका वर्कआउट होता है ना, वो कंप्लीट वर्कआउट कीजिए. और उस वर्कआउट को करके आप खुद बेनिफिट इस चीज़ के देख पाएंगे. मैं कल रात ही अपने पुराने वीडियोस देख रही थी. आई वॉज दैट मच चबी, मेरा ये सब बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, ये सब बहुत ज़्यादा था. बट टुडे लुक एट मी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक स्पॉट को कम करने के लिए हम किसी एक स्पॉट की ही योगा करेंगे. नहीं, हमें इंटायर बॉडी की योगा और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वॉक करनी होती है, जिस स्पेसिस पे जहाँ जहाँ बॉडी में फैट होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, बॉडी अपने आप उस चीज़ को चेक कर लेती है और अपने आप उस चीज़ को कम करना शुरू कर देती है. बट उसके लिए मूवमेंट हमें ही लानी पड़ती है. हमारे माइंड में ये फोकस हमें डालना होगा कि बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं बनी है. कि सिर्फ खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, लेट जाएंगे, या थोड़ा बहुत उठे तो सिर्फ कि डस्टिंग कर ली, ये कर लिया, इस सब से नहीं चल सकता. एटलीस्ट मैं आपको बता देती हूँ, 30 मिनट्स का मिनिमम वर्कआउट. उस वर्कआउट में कभी कभी आप 10 मिनट्स का ऐसे कर सकते हो, 10 मिनट्स की योगा, 10 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 10 मिनट्स का कार्डियो, ठीक है. या फिर आप कंप्लीट ऐसे कर सकते हो कि 2 योगा, 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या 2 कार्डियो, ठीक है. या फिर आप एक कंप्लीट एक्सरसाइज पूरे वीक चला सकते हो, फिर नेक्स्ट वीक में कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हो. एंड वॉक बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आप एक्सरसाइज करने के लिए कर रहे हो, उसके साथ आप वॉक भी कीजिए. वॉक ज़रूरी नहीं है उसी टाइम पे करनी है. अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इवनिंग में वॉक पे चले जाइए, और अगर आप मॉर्निंग में वॉक पे जा रहे हैं तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर लीजिए, या आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हो अगर आप में इम्यूनिटी उतनी है तो, ठीक है. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द सेशन. इट्स ऑलरेडी 4 मोर. So we will start the Surya Namaskar for 30 minutes and we will see how many rounds of Surya Namaskar we are able to complete. You're welcome, anytime. Okay, let's start. So I hope I'm visible to everyone. Yeah. Okay, let's start the Surya Namaskar in silence position. Just focus, okay? Take your position in 1, 2, and 3. We have started at 6:34, almost 6:35. So we will do this till
7, 5. ओके लेट्स स्टार्ट.
हमारे टोटल 11 सूर्य नमस्कार हो गए हैं, अब हम बाकी करते हैं।
सो वी हैव कंप्लीटेड टोटल 21 सूर्य नमस्कार. ओके वी विल जस्ट डू 21 टुडे बिकॉज आई एम सुपर सुपर टायर्ड नाउ. माई जॉइंट्स आर लाइक सेइंग के प्लीज डोंट डू मोर. ओके सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ दैट आई हैव कंप्लीटेड 21 सूर्य नमस्कार इन वन गो. ओके स्लोली एंड ग्रेजुअली आई ट्राई दैट आई परस्यू मोर एंड मोर बट सन सैल्यूटेशन इट इज़ रियली नॉट ईजी. ओके इफ यू थिंक इट इज़ वेरी ईजी आई बेट यू जस्ट ट्राई फॉर कंटिन्यू 10 एंड देन सजेस्ट योर सेल्फ. ओके गाइज सो वी हैव फ्यू मोर मिनट्स फॉर दिस सेशन. सो वी हैव टोटल 7 मोर मिनट्स. लेट्स डू सम स्ट्रेचिंग. ओके सो लेट्स डू सम स्ट्रेचिंग गाइज. लेट मी सेट माई कैमरा. Position just like this, hands raised, count till 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back, leg change, same position but different leg, maybe 90 degree, maybe straight, then hands raise, count till 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, come back. Okay guys, come in this way, in this position, just like this. Okay, make it a 90 degree, like this, back straight, 90 degree, hands raised, count to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come up. Very nice, guys. So I hope you have enjoyed this session. Kafi acha tha, kafi effective tha. And I'm super stressed. If there is no question, we may end this session soon so that we will complete the next routine, which is the video uploading task. Look at my hair, sweating, all over sweating. Okay. ओके गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ. अगर किसी को भी कोई डाइट में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एक्सरसाइज में इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट डीएम कुछ भी कर सकते हो, स्टोरी पे रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूँगी. और मैं हर हर वीडियो में ये मोस्टली बोल रही हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपकी कंसिस्टेंसी है. अगर आप लोग भी अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो मेरे इस सेशन को कभी भी देख सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं इस सेशन को यूट्यूब पर भी अपलोड कर देती हूँ ताकि वहाँ पर जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, आप उन लोगों को यूट्यूब से शेयर कर सको और वो लोग भी इस एंटायर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज को वॉट एवर आई डू वो उसको सेम परस्यू कर सकें और अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकें. एंड लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, वॉक पर जाना ज़रूर शुरू करना.
अगर आप किसी दिन मिस कर रहे हो एक्सरसाइज को करना जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग, सो एटलीस्ट आप वॉक करना शुरू कीजिए. वॉक करने से एंटायर बॉडी की मूवमेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, और वॉक करने से आपके जो लेग हैं वो एज अ कार्डियो की तरह काम करके बहुत अच्छी तरह टोन हो जाते हैं. जितना भी आपका एक्सेसिव फैट होता है, जैसे हमारी थाइज आपस में जॉइंट होती हैं एंड वो रब होती हैं एक साथ, तो फिर हमें दर्द महसूस होता है कभी कभार. ऐसा लगता है जैसे घिस गया है, चोट लग गई है या फिर स्क्रैचेस आ गए हैं, तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं वॉक करने से. ठीक है, और वॉक तेज़ तेज़ होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं कि आप बस लेथार्जिक लेजी वे में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो वॉक एक वॉक के तरीके से होनी चाहिए. एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स की आप वॉक कीजिए और 30 मिनट्स की आप एक्सरसाइज कीजिए. आई मीन टू से एंटायर डे में अगर आप अपने आप को 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए दे सकते हो, तो पूरी लाइफ आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा. आई बेट यू अबाउट इट. चाहे आपको कितना भी स्ट्रेस हो लाइफ का, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कितना भी सास ससुर माँ बाप बहन भाई का प्रेशर हो, टेंशन हो लाइफ में, ऑफिस की टेंशन हो, पैसे की टेंशन हो, अपने ऊपर काम करके देखिए, आप धीरे धीरे हर चीज़ का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लोगे. क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर खुद करके देखी हुई हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू. और बस इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अब आपको कल के सेशन में. आज 21 डे है, आज फ्राइडे है, 21 सूर्य नमस्कार हमने करे हैं, आज योगा डे भी है. सो अगेन आई विश यू ऑल अ हैप्पी योगा डे. इट इज़ इंटरनेशनल योगा डे, सो आई होप वी ऑल आर परफॉर्मिंग दिस डे अ योगा, अ काइंड ऑफ योगा. आई डोंट नो, वॉट एवर योगा यू कैन परफॉर्म, यू कैन वॉच यूट्यूब, यू कैन वॉच दिस चैनल, यू कैन वॉच एनी काइंड ऑफ इंस्टाग्राम पेज, जस्ट परफॉर्म द एक्सरसाइज, परफॉर्म द योगा फॉर दिस डे एटलीस्ट. ओके, आई होप यू विल स्टार्ट योर जर्नी एज सून एज पॉसिबल. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हुसोएवर हैज ज्वाइन, हैव अ गुड डे, बाय बाय.